कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में घी भी डाल दिया है, थोड़ा ही डाला है क्योंकि ऑलरेडी नारियल में तेल होता है। तो अब इसको करते हैं फ्राई, मतलब इसको भून लेते हैं, अच्छा सॉटे सा कर लेते हैं। और बाकी फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को भी सॉट है। ये है गंगा जल, ये है दूध, और ये है दही, और ये है शहद, और तुलसी तोड़ना भूल गए। और ये मम्मी लाई है माला, और ये है मोर पंख, और यहाँ चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और हम सब भी, यहाँ पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:45 बजे से। सुपर उठ चुके हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, नहा भी लिया है और पूजा भी कर ली है। और आज है बहुत स्पेशल डे, कान्हा जी का दिन। वैसे तो हर दिन होते हैं, बट आज उनका है बर्थडे। और तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा जाए और सब कुछ बहुत अच्छा रहे। और इसीलिए मैंने उठ के पूजा वूजा सब कर दी है, और अब बनाते हैं चाय वगैरह। और अभी बाल भी गीले हैं, इनको भी सुखाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद अब बनाते हैं चाय। और मेरे यहाँ पर तो छोटू से कान्हा जी हैं फोटो में, और बाकी जो हमारे मंदिर में कान्हा जी थे ना, वो जो लड्डू गोपाल होते हैं, तो कोई बोलता है कि उनको ऐसे नहीं रखते जब तक उनकी सेवा वगैरह नहीं करते हैं, तो नहीं रखना चाहिए। तो मम्मी ने इसीलिए वो दे दिए हैं किसी को। तो आज देखते हैं फिर हम कौन से कान्हा जी की पूजा करेंगे। तो वैसे हमारे पास दूसरे वाले कान्हा जी हैं, हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल थे तो मम्मी ने दे दिए हैं। प्रीवियस ईयर तो हमने किया था, मैं भी ले गई थी तो अपने साथ कुमान, तो वहाँ भी करी थी पूजा। और इस बार फिर देखते हैं कौन से कान्हा जी की पूजा होती है। तो अभी फ़िलहाल बनाते हैं चाय वगैरह, और चाय वगैरह पीते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, और देखते हैं क्या क्या बनता है आज उनके भोग के लिए। वैसे तो वो चूरमा वगैरह बनाते हैं, और पंच पाग मेवा करके एक मिठाई होती है वो बनती है, और पंचामित्र वगैरह भी होता है। तो देखते हैं जो जो बनाएंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं, चलते हैं चाय बनाते हैं, फिर मिलेंगे बाद। और काम वाम बस, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है और सब लोगों ने, और अब दिन की तैयारी करेंगे। तो पहले थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। अभी तो 12 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बनाएंगे, 12:30-1 बजे तक बनाएंगे खाना। और फिर देखते हैं थोड़ा बाहर मार्केट वार्केट जाएँगे, तो आपको यहाँ की रौनक भी दिखाएँगे कि हमारे इधर कैसा सजा रखा है। और मंदिर वंदिर भी जाएँगे तो मंदिर भी फिर आपको दिखाएँगे। तो मिलते हैं अभी बाद में। का खाना वगैरह खाया, और फिर उसके बाद सब लोग रेस्ट करने लग गए। और रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर अभी उठे शाम को, तो फिर चाय वगैरह पी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं कुछ बनाऊंगी जो जो बनता है जन्माष्टमी के लिए, पंजरी वगैरह, और पंचमेवा पाक बनता है, मिठाई जैसी होती है नारियल से और मखाने वगैरह को मिक्स करके बनती है। यूट्यूब में भी आप लोगों ने देखा होगा, और मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने बनाई थी ओमान में। तो अभी आज बनेगी आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी के लिए आलू रख दिया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है वही पंचमेवा पाक के लिए। वो मखाने वखाने को सबको भूनना पड़ेगा पहले, उसके बाद सब कुछ बनेगा चाशनी बनाने के बाद। तो पापा अभी वो कर रहे हैं, क्या बोलते, कद्दूकस कर रहे हैं उसको, नारियल को। और उसके बाद मम्मी भी मार्केट गई है, सामान सामान लेकर आती हैं, फिर इसकी तैयारी करते हैं, इसको पूरा बनाते हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। उनके भी मैंने कपड़े वगैरह मंगाए हैं, अगर मिल जाएंगे तो, और फूल वगैरह जो भी चीज़ है। तो मम्मी गई है तो अभी आ जाएंगे, तो फिर तब आपको दिखाएंगे, तब जब करेंगे तैयारी, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो नारियल है ये कद्दूकस कर दिया है, मैंने 2 ही नारियल लिए हैं। और यहाँ पर मैंने बादाम भी कट करे हैं, ये है थोड़ी किशमिश। तो अभी जो बाकी के बादाम वगैरह हैं वो थोड़े कम थे, तो मम्मी गई है मार्केट सामान लेकर आती होंगी, और मखाने वगैरह भी। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो नारियल को कद्दूकस करा है इसको भून लेते हैं अच्छे से। और मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में घी भी डाल दिया है, थोड़ा ही डाला है क्योंकि ऑलरेडी नारियल में तेल होता है। तो अब इसको करते हैं फ्राई,
मतलब इसको भून लेते हैं, अच्छा सॉटे सा कर लेते हैं। और बाकी फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को भी सॉटे करेंगे, मखाने को भी, फिर उसके बाद इसको चीनी के पाग में मिला देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, फिर दिखाते रहेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें नारियल, अब इसको हल्का हल्का सॉटे करते हैं, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होना है और ज़्यादा इसको ब्लैक भी नहीं करना है, जलाना भी नहीं है, थोड़ा सा इसको बस कुक करना है हल्की आँच में। और अब इसको करते हैं कुक, फिर उसके बाद मखाने वगैरह करेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह करेंगे। तो इसको कुक होने देते हैं, फिर आगे जो करेंगे वो दिखाते हैं आपको। और इधर मैंने आलू भी रखे थे बनने के लिए, तो आलू में भी सीटी लग चुकी है, कुक हो गए हैं। अब इनको भी निकाल देते हैं, ठंडा करते हैं, फिर छील के एक तरफ आलू की सब्जी भी छोंक देंगे, फिर पूरी पूरी रहेगा और रायता बना लेंगे, क्योंकि वैसे ज़्यादा हम लोग पूरी वूरी खाते नहीं हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा। आज के दिन त्यौहार के दिन तो खैर पूरी बनानी चाहिए, अच्छा लगता है। और मेरे इधर पंचमेवा पाक भी बन जाएगा और पंचामित्र भी देखते हैं बनाते हैं। और वैसे तो इनको धनिया की पंजरी बहुत ज़्यादा फेमस है, कान्हा जी के बर्थडे वाले दिन वही इनको चढ़ती है, और खीरा। तो मैंने मम्मी को सब कुछ बोला है, तो मम्मी अभी लेकर आएंगी, तो फिर अभी सब बनाएंगे, तो जो जो भी बनेगा सब आपको दिखाऊंगी। तो अभी पहले इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं नारियल को, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस होगा। तो ये मेरे यहाँ पर अच्छे सॉटे हो गया है, इसको फटाफट से इसमें निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी लेकर आ गई है मखाना, तो मखाना भी ले लिया है मैंने, किशमिश ले लिया है और बादाम बादाम सब कट कर दिए हैं, और यहाँ घी भी डाल दिया है। अब सबसे पहले मखाने को यहाँ पे सॉटे कर लेते हैं। तो मखानों को यहाँ सॉटे करते हैं पहले, पर मेरा पंचमेवा पाक का पूरा प्रोसेस हो गया है रेडी। और यहाँ पर सब्जी भी बन गई है आलू की, और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, सोचा था मंदिर जाएंगे, पर तब तक हम अपने कान्हा जी को भी नहलाएंगे विलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा, तो मे भी बारिश तब तक रुक जाए। और ये चाशनी जो बन गई है, ये जो यहाँ पर चाशनी रेडी हो गई है, इसमें ये जितने भी सारे आइटम्स हैं इन सबको ऐड कर देते हैं, फिर इसको प्लेट में वो कर देंगे तो ठंडा हो जाएगा, फिर इसको कट कर देंगे बर्फ़ी के उसमें। तो अभी पहले ये करती हूँ। तो मिक्स कर दिया है, और अब इसको इस परात में निकाल देते हैं, फिर इसमें ठंडा कर देंगे, फिर ये बर्फी जैसा बन जाएगा। तो अभी पहले मैं इसको इसमें निकालती हूँ। सारा काम हो चुका है, पंचमेवा पाक बन चुका है, अब देखते हैं कैसा बन रहा है। और बाकी अब करते हैं कान्हा जी की तैयारी, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, दूसरा वेयर करती हूँ सूट, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको चेंज करने के बाद, फिर करते हैं कान्हा जी की तैयारी। और मैं अपने लड्डू गोपाल भी दिखाती हूँ आपको कैसे हैं, तो पहले चेंज कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर बिल्कुल रेडी कान्हा जी को भी नहलाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, और दूसरा सूट वेयर कर लिया है। और अब फटाफट से चलते हैं बाहर मंदिर में, और मंदिर में करते हैं पूजा, लड्डू गोपाल भी दिखाती हूँ, और जिस जिस चीज से उनका स्नान होगा वो सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। तो अभी चलते हैं, फिर दिखाती हैं मेरे लड्डू गोपाल। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे से हैं ना, कितने क्यूट से हैं। और अभी इनको पन्नी में से निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है, ये है गंगा जल, ये है दूध, और ये है दही, और ये है शहद, और तुलसी तोड़ना भूल गए। और ये मम्मी लाई है माला, और ये है मोर पंख, और यहाँ पे मम्मी बांसुरी भी लेकर आई है, बांसुरी लाई है, और यहाँ पे उनकी मुकुट भी लेकर आई है, और ये फूल लेकर आई है इनकी डेकोरेशन के लिए। तो अभी पहले इनको स्नान कराते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। आते आते दोनों के दिल।
पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू ही तू है जीने की आधा, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है तेरे कदमों के ही रास्ता ठहरा है मेरा,
तू है, तू है जीने की आधार, तू है, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ। और अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सुंदर से सजा दिया है। आप लोगों ने अभी पूरा देखा होगा कि मैंने यहाँ पे माखन मिश्री और जो मैंने यहाँ पंचमेवा पाक बनाया था ये वो है, और यहाँ पूजा हो गई है। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, और कमेंट में बताना आपको कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी। और बस अब खाने में देखते हैं, पूरी वूरी जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, रायता वगैरह सब रेडी है, सब्जी वब्जी सब रेडी है, आज खुला ही रहने देते हैं। और थोड़ा मम्मी से बात करते हैं, और मम्मी को भी अपने लड्डू गोपाल दिखा देते हैं। सब कुछ हो चुका है और खाने में सब्जी वब्जी बन गई है, और पापा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तो पापा के लिए खिचड़ी बन रही है यहाँ पर। और यहाँ मैंने तेल रख दिया है पूरी के लिए, और अब यहाँ पूरी बनाती हूँ फटाफट, अच्छे पूरी वगैरह बनाती हूँ, फिर उसके बाद भोग लगा देंगे और फिर खाना खाएँगे। तो अभी फटाफट अच्छे पूरी बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। घर में पूजा वगैरह सब करी आप लोगों ने देखा, फिर मैंने खाना वाना बनाया, और फिर अब खाना वाना खा लिया है। वैसे तो मंदिर जाने के लिए सोचा था, पर हुआ क्या कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़ के जाना, और फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था तो नहीं गए। अब कल देखते हैं कल कैसा होता है जाने के लिए, क्योंकि वैसे भी दो दिन जन्माष्टमी मनाते हैं हर कोई आजकल, तो बारिश भी हो रही है, एक तो बार बार हो रही है फिर रुक जा रही है, मेन चीज़ यही हो रहा है। और हमारे इधर मटकी फोड़ भी होती है ना मंदिर में, तो वो भी हो रही थी, तो देखते हैं कल अगर जाएंगे तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी मम्मी और अभी तो पापा फिलहाल ठीक हैं, थोड़ा दवाई दी है तो अभी पापा लेट चुके हैं, अब फिर वही रहता है जब तबीयत उबीयत भी ठीक नहीं थी तो फिर मम्मी ने, फिर मैंने कहा नहीं जाते मम्मी रहने देते हैं, तो फिर इस वजह से नहीं गए। कल देखते हैं, कल जाएंगे तो कल आपको दिखाएंगे यहाँ का मंदिर वगैरह, जो जो भी है एक्टिविटीज़ होती है सब दिखाएंगे। तो ये ब्लॉग कंटिन्यू ही रहेगा कल तक, कल जो भी चीज़ होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मिलते हैं आपसे सुबह।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है, जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे। और नहा धोकर पूजा भी हो गई है और घर का काम भी हो गया है। और ये है मेरे छोटू से लड्डू गोपाल, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह इनके दर्शन करिए। और यहाँ हो गई है पूजा वगैरह और अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और पापा की भी तबीयत थोड़ा आज बेटर है कल से, और अभी पापा के लिए पूरी बनाते हैं। कल पापा ने खाया नहीं था, पापा के कहने पर आलू की सब्जी पूरी बनी थी, तो अभी मैं पूरी बना देती हूँ। अब पापा को ही ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर पापा डॉक्टर को भी दिखाएंगे क्योंकि ठीक नहीं है, फिर रात को हो जाएगा। तो और कल मैंने बताया था कि कल हम तो मंदिर नहीं गए थे, तो आज जाएंगे, तो आज आपको पक्का मंदिर दिखाएंगे। क्योंकि दो दो दिन होने लगे, अब तो सारे त्यौहार हिंदुओं के दो दो दिन होने लगे हैं, तो जब हम मंदिर भी जाएंगे तो भी दिखाएंगे। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज का पूरा दिन ऐसा ही रहा, कुछ डिफरेंट था। मैं बनी थी राधा, मैंने भी थोड़ा शूट वूट करा है, अब वो आपको शॉर्ट्स में ही देखने को मिलेगा। और फिर अब इसके बाद शाम के टाइम मंदिर जाएंगे। तो ये था मेरा लुक और मैं भी राधा रानी बनी हूँ। मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ, लोग भी सबके मैं शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आज करा मैंने, क्योंकि दो दो दिन जन्माष्टमी है कल और आज, तो मैंने आज लुक करा। और अब मैंने शूट वगैरह सब कर लिया है, बस अब चेंज करने की बारी है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग के लिए भी शूट करते हैं, आपको भी बताते हैं। क्योंकि जब शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ब्लॉग में भी कि हाँ शॉर्ट्स में कुछ ऐसा है। तो यही था मेरा आज का आउटफिट, जो मैंने अभी पूरा दिन आज इसी में लगाया और खूब सारा इंजॉय करा, खूब सारी वीडियोज़ बनी, अब आपको देखने को मिलेंगी। और अब कर लेते हैं चेंज वगैरह, और कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही थी राधा बन के। और चेंज वेंज करते हैं, फिर शाम को मंदिर जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे मंदिर। तो तब फिर मैंने राधा रानी वाला लुक क्रिएट करा था, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही बिजी हो गए, फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करा, सो गई। और सोने के बाद फिर उठे तो बारिश बारिश हो रही थी, मंदिर जाने का सोचा था पर नहीं गए मंदिर। अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे, तब दिखाएंगे आपको। और फिर अभी भी फिर डिनर वगैरह करा है, डिनर वगैरह कर लिया, अभी थोड़ी देर बैठे हैं, देख रहे हैं सीरियल आ रहा है, और सीरियल वीरियल देख रहे हैं। उसके बाद फिर चलते हैं सोने, और सोने चलते हैं फिर। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको मैंने जो लड्डू गोपाल लाए थे वो कैसे लगे, अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि कैसे लगे लड्डू गोपाल। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।